नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एस नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एस नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एस नाम वालों की बात करें तो एस नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको अपने जीवन के यात्रा में जोखिम लेना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है एवं इनको हमेशा अपने जीवन में जोखिम लेने से या रिस्क लेने से ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मित्रों, आपको बता दें, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं ये कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में, अपने स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे इसके अलावा यदि हम पी नाम वालों की बात करें तो पी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं एवं ये हमेशा अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन या अपने प्रेम जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एवं ये कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं एवं अपने जीवन के अच्छे समय में एवं अपने जीवन के बुरे समय में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, उनका समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, एस नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।